गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.4। सो वी हैव डन थ्री क्वेश्चंस, राइट? इन 13.4 वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। So we have discussed that total surface area and curved surface area of sphere is same, that is 4 pi r square. And if we are having hemisphere, then its curved surface area. Curved surface area kitna hota hai? Sphere ke surface area ka half, that is 2 pi r square. And the total surface area of hemisphere is 3 pi r square. Right, so we have done three questions. Now come to the question number 4. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in two cases. Now there are two radius, ठीक है? इधर देखिए, R1 is without the air, the radius of the balloon is 7 centimeter. And when the air is being pumped into it, जब उसको फुला दिया, तो radius कितना हो गया balloon का? 14 centimeter square. We have to find the ratio of surface area of the balloon. So आप लिखोगे required ratio is equal to surface area of one over ऐसे short में S1 means surface area of the first balloon, S2 means surface area of the second balloon. ठीक है, surface area of the sphere is 4 pi r square. If it is S1, it is r1 square. If it is S2, it is r2 square. ये समझ आ गया? जैसे हम R लिखते हैं, यहां पर क्या है R, उसके बेस में 1, 4 pi will get cancel. R1 क्या है? 7 square. R2 क्या है बच्चे? 1:4 रेशियो पूछिए तो रेशियो फॉर्म में आंसर देना, नो डाउट। लिख लिया दिव्यांशी? Be fast. Done, beta. Next question. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 centimeter square. स्टेटमेंट हम हमेशा बेटा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है ना? उसको हमने अंदर से टिन प्लेट करना है, ठीक है? जैसे बॉल्स को अंदर से प्लेटिंग करनी है, तो इसका मतलब हमें अब क्या चाहिए, क्या चाहिए बेटा? इन
इनर कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा है ना उन्होंने, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड। जैसे आपने अगर कहीं बॉल्स देखे हों जो बाहर से अलग होते हैं अंदर से अलग होते हैं, बाहर से कई बार ब्राउन वाले होते हैं जो अंदर से वाइट होते हैं, बाहर से कोई और कलर अंदर से कोई और कलर है ना, तो ऐसे अंदर से टिन प्लेट करना है, प्लेटिंग करनी है। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। यस, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। यस, यू टेल मी रेणुका, व्हाट इज द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आप रेणुका हो, पाई आर स्क्वायर गलत है, 3 पाई आर स्क्वायर गलत है, वंशिका 2 पाई आर स्क्वायर। बेटे ये आपका कर्व्ड मांग बोला है, बॉल बोला है तो इट इज ओपन, ठीक है। यहां से टिन प्लेट करनी है इसको, इसके ऊपर वाला क्लोज थोड़ी है वो जो अंदर की बंद है ढक्कन, और ढक्कन को भी अंदर से टिन प्लेट करना है, ऐसे तो नहीं ना लिखा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। डायमीटर इज गिवन, वी हैव बीन गिवन द इनर डायमीटर, फ्रॉम देयर वी विल फाइंड द इनर रेडियस। इनर रेडियस के बाद हेमिस्फीयर का निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया, उसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। लिखिए, इज द क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। इनर डायामीटर 10.5 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 5.25। अरविंद, यू जस्ट बिहेव योर सेल्फ, ओके? नाउ दिस इज द लास्ट वार्निंग आई एम गिविंग टू यू। इनर, ऐसे लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ जी, निकालिए एरिया। व्हाई यू आर टॉकिंग स्टूडेंट्स, व्हाट इज देयर टू टॉक? कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर is ₹16, cost of tin plating 1 centimeter square is 16 by 100, cost of tin plating, what is the area, anyone? 173.25 centimeter square. So 173.25 centimeter square is ये तो ठीक है, इनटू 0.16, 27.72। यस, इट इज रुपीस 27.72।
Note down quickly. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इतना टाइम नहीं. हाँ क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. करो लिखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर. उसको 154 के साथ इक्वेट करो. रेडियस कितना है? कुछ नहीं लिखा तो 22/7 ही लेते हैं. ठीक है कटिंग करो. हाँ जी बताओ. किस टाइम? 9:52, 10:10. आर स्क्वायर आया हमारे पास 7 × 7, 2 × 2. ठीक है तो इसकी आर इज व्हाट? आर स्क्वायर इज मींस 7/2 स्क्वायर. चाहे आर को इधर स्क्वायर रूट डाल दो जैसे मर्जी स्क्वायर कट गया. सो रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर. दैट इज 3.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस. ठीक है ये समझ आया बेटे आपको? पहले में क्या डाउट था आपको? कैलकुलेशन गलत की होंगी ना बच्चे और कुछ नहीं है. बस ठीक है नोट कर दो. टेस्ट शेड्यूल आ गया है ना तुम्हारा? कब होता है टेस्ट? ट्यूजडे को. कल अभी सेकंड वीक है. अरे ऐसे नहीं सेकंड वीक. चल अभी सेकंड वीक है तो तुम्हारा सेकंड वीक को लिखा हुआ टेस्ट. अरे यार वो पहले डाला था. अभी मैं देख लेती हूँ दोबारा डाल दूंगी.